बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मान मनवल का दौर भी लगातार चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं पूरा सियासी घटनाक्रम क्या रहा। उत्तराखंड में फिर से परिवर्तन की बयार वही है। सियासी समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत से कुर्सी लेकर अब पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद सौंपा है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण तय है, जहां सीएम के रूप में पुष्कर धामी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। धामी उत्तराखंड के खटीमा से दूसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अब तक ना तो उन्होंने कोई मंत्रालय संभाला और ना ही कोई अहम पद, फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है, जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहां तक पहुंचाने बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। देहरादून में शनिवार की दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें पुष्कर धामी के नाम पर सभी ने अपनी सहमति जताई। उस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में किसी दूसरे नाम पर चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। पार्टी का फैसला होते ही पुष्कर धामी बीजेपी नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे, वहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपने नेता को नई जिम्मेदारी मिलते देख समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देहरादून से लेकर खटीमा तक जश्न शुरू हो गया। 10 मार्च को तीरथ रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली थी। महज 4 महीने बाद तीरथ रावत भी हटाए गए, उनकी जगह अब पुष्कर धामी हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज है, तो 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नया पार लगाने की भी चुनौती है। घर वालों को भरोसा है कि पुष्कर धामी किसी को निराश नहीं करेंगे, लोगों के साथ साथ पार्टी की उम्मीदों पर भी वो खरा उतरेंगे। कि उन्होंने पूरे प्रदेश का जो है की सेवा उनको आज ये करने का अवसर मिला है, मैं समझती हूँ कि वो बखूबी निभाएंगे और हम लोग भी पूरा प्रयास। आज शाम को होने वाले शपथ ग्रहण के दौरान पुष्कर धामी के साथ मंत्री पद पर कौन कौन शपथ लेगा, ये अब तक सस्पेंस है। खटीमा से राजेश छाबरा और देहरादून से पौलमी साहा के साथ दिलीप सिंह राठौर आज तक।